एक चोर जो अभी चोरी करके लाया है वो भी ये नहीं चाहता कि उसकी जो चोरी की हुई चीज़ है कुछ चुरा ले, एक लुटेरा जिसने कुछ लूटा है कहीं से, वो भी ये नहीं चाहता कि भाई उसका जो सामान है जो उसने लूटा है मेहनत से लूटा है, मतलब फिर भी रिस्क तो लिया है, साहस तो दिखाया है, पर जानता है कि वो गलत है और नहीं चाहता कि उसके साथ हो। इसका मतलब ये है कि हम जानते हैं गलत है पर फिर भी कुछ ना कुछ करते हैं। तो थोड़ा बड़ा एग्जाम्पल हुआ कि हम आदतों से मजबूर होते हैं। चोर भी जानता है कि चोरी बुरी है, लुटेरा भी जानता है लूट बुरी है, और जो अहिंसक है वो भी नहीं चाहता कि उसके साथ हिंसा हो, क्योंकि उसे पता है कि भाई ये गलत काम है, ये सही नहीं है, पर क्यों करता है? आदतों की वजह से। इसीलिए अपनी आदतों को सुधारिए। आदतें अच्छी होंगी, बढ़िया होंगी, तो आपका चरित्र रक्षा होगा और चरित्र से ही भाग्य का निर्माण होता है। संगति, सोहबत और संस्कार, ये तीन सा, ये मैं हमेशा कहना हूँ अक्सर, ये बहुत बड़ी चीज़ें हैं। जिनके पास ये तीन चीज़ें हैं, संस्कार है, संगति है मतलब कि सोहबत है, और स्वास्थ्य, स्वास्थ्य सबसे पहले है कहीं ना कहीं, कि स्वास्थ्य होगा तब आप संगति करोगे या संस्कार में जाओगे। संगति हो गया, स्वास्थ्य हो गया और संस्कार, ये तीन अगर आपके पास हैं तो आपका भाग्य बदलेगा ही बदलेगा, आज नहीं तो कल। अब इसी सोच के साथ हम बढ़ जाते हैं तुला के लिए, जो बहुत खूबसूरत महीना आ रहा है जून का, वो क्या लेकर आया है? चाहे वो उनका करियर है, बिजनेस है, काम धंधा है, पैसा है, एजुकेशन है, प्रेम है, पारिवारिक जीवन है, स्वास्थ्य है आपका, धन है, आदि आदि जीवन के क्षेत्र है, सब पे बात करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं कि कौन सा ग्रह कहाँ बैठा है, कहाँ पर किस ग्रह की दृष्टियाँ हैं, और उसके अनुसार गणना करेंगे, और कुछ उपाय जो हैं उसके बारे में भी बातें करेंगे। हर चीज़ के बारे में डिटेल में बात होगी। तो देखिए, प्रथम भाव में ही तुला में केतु बैठे हैं और इसी भाव पर मंगल और गुरु की दृष्टि आ रही। जो पीले रंग का जो स्टार है वो गुरु की दृष्टि को दिखाता है, जो लाल रंग का स्टार है आप देख सकते हैं, वो ये जो है लाल रंग का जो है ये मंगल की दृष्टि को दिखा रहा है, और जो नीला है ये शनि महाराज की दृष्टि है। तो प्रथम भाव में केतु बैठे हैं और वहां पर गुरु मंगल की दृष्टि पड़ रही है। द्वितीय भाव जो धन का है वहां पर शनि की दृष्टि है। तृतीय भाव जो पराक्रम का है वहां पर गुरु की दृष्टि है आपकी। चौथे भाव में मंगल की दृष्टि है, और जो पंचम भाव है वहां शनि बैठे भी हैं और वहां पर मंगल की दृष्टि भी है। कौन सी राशि है ये? कुंभ में। कुंभ में शनि बैठे हुए पंचम भाव में। छठा भाव खाली है। सप्तम भाव में मेष राशि में गुरु और राहु बैठे हुए हैं, गुरु चांडाल योग बना हुआ है, और यहाँ पर शनि की दृष्टि भी आ रही है। अष्टम भाव खाली है। नवम भाव में तीसरी राशि जो कि मिथुन होती है उसमें सूर्य है। वैसे सूर्य वृषभ में भी रहेंगे 15 तारीख तक, पर इस महीने जो परिवर्तन हो रहा है वो तो यही हो रहा है कि सूर्य 15 तारीख को वृषभ से मिथुन में आ रहे हैं। दसम भाव में मंगल नीच के हैं, शुक्र जो है उनके साथ बैठे हुए हैं कर्क राशि में। एकादश भाव पर शनि और गुरु की दृष्टि पड़ रही है, और बारहवां भाव खाली है। जो इस महीने की विशेष घटना है वो एक बहुत ही विशेष घटना है, वो है कि शनि महाराज जो है वो वक्री हो रहे हैं। वैसे तो हर साल वक्री होते हैं करीब 140-139 दिन के आसपास के लिए, पर फिर भी साल में एक बार ही ये घटना होती है अक्सर, और ये विशेष घटना है। इसका क्या असर होगा इस पर बात करेंगे। चलिए सबसे पहले इसी को देख लेते हैं। शनि आपके योग कारक ग्रह हैं, एक केंद्र और त्रिकोण के स्वामी हैं। जब आपका कोई योग कारक ग्रह वक्री होता है वो कहीं ना कहीं एक अच्छी बात है। अगर आपकी कुंडली में भी वो वक्री है तो आपके और रिजल्ट बढ़िया होने वाले हैं, अच्छे होने वाले हैं, कुछ मिलने ही वाला है। पर फिर भी क्या मिल सकता है? घर जमीन का फायदा हो सकता है, एजुकेशन के लिए अच्छा रहेगा, आपकी लाइफ में कोई आ सकता है, कुछ स्पेकुलेटिव गेन हो सकते हैं, स्टॉक मार्केट आदि से आपको धन लाभ हो सकता है। अगर कहीं आप परफॉर्मर हैं तो आपकी कोई परफॉर्मेंस बहुत यादगार बन सकती है, ये सब चीज़ें मिल सकती हैं। पर फिर भी जब शनि कर्म के भी कारक हैं और जब शनि वक्री हों तो क्या कहते हैं, देखो भैया थोड़ा धीरे धीरे से करिए काम, थोड़ा सोच समझ के करिए, भागते मत रहिए, पहले देखिए कि सही रास्ते पर तो हैं। कछुआ और खरगोश, खरगोश इधर भी भाग रहा है उधर भी भाग रहा है, उसे लग रहा है मैं तो कैसे भी जीत जाऊंगा, और जो कछुआ है वो अपने ही डायरेक्शन में पर लगातार चलता जा रहा है। तो शनि महाराज कच्छप अवतार से जुड़े हुए हैं, वो कहते हैं देखिए सही रास्ते पर चलिए, भले ही धीरे धीरे चलिए पर सही रास्ते पर सही दिशा में आपको चलना बहुत जरूरी है। तो दिशा देखें, दिशा देखने के लिए थोड़ा ठहरें, आराम से चलें, धीरे धीरे स्टेप लें पर सही स्टेप लें, ये शनि कहना चाहते हैं। जब वक्रियता भी आपको वो लाभ देंगे, वैसे वक्री होना आपके लिए शुभ हो रहा है। अब इसके बाद करियर के मामले में आ जाएं, इस महीने में करियर कैसा रहेगा? करियर के लिए दसम भाव है, छठा भाव, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो दसम भाव में मंगल जो है नीच के हो रहे हैं, मंगल आपकी कुंडली में द्वितीय भाव मतलब धन के और सप्तम भाव मतलब व्यापार के
मोटा मोटा कहें ऐसे, तो उत्ते भाव आपके फैमिली का है, फैमिली वैल्यूज का भी है, ज्वेलरी का भी है, आपके पारिवारिक बिजनेस का भी, बहुत सारी चीज़ों का। ऐसे सप्तम भाव आपके यात्राओं का है, अपोजिट जो आपके पार्टनर्स हैं उनका है। सप्तम भाव जो है विदेश से भी कहीं ना कहीं आपको जोड़ता है, व्यापार का तो है ही है। ये मारक भाव भी हैं द्वितीय और सप्तम, ये कहाँ हो रहा है, नीच का हो रहा है। तो स्वास्थ्य के लिए तो मंगल अच्छे हो रहे हैं, मारक का स्वामी नीच का हो रहा है, बढ़िया है, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, स्वास्थ्य के लिए बढ़िया है। पर ये बैठा कहाँ पर है, शुक्र के साथ बैठ गया जो कि लग्न के स्वामी है। अब एक केंद्र और एक धन भाव का स्वामी लग्न के साथ बैठकर धन तो ला रहा है, मतलब कहीं से पैसा तो आएगा आपके काम से, बस आपको इतना ध्यान रखना है कि वो काम सही हो, सही तरीके से हो रहा हो। क्योंकि कभी मंगल नीच के होते हैं ना, मंगल एक तरफ सेनापति है, मंगल एक तरफ जर्नल है, वहीं दूसरी तरफ मंगल जो है चोर लुटेरे भी है, जो मैंने शुरुआत में भी कहा था कि लुटेरा भी जानता है कि उसका धन ना लूटा जाए, क्योंकि ये गलत चीज़ है। तो गलत चीज़ों से आपको बचना है। वैसे तुला वाले तो बड़े ही बैलेंस वाले होते हैं, सब अपने लाभ से पहले दूसरे का लाभ सोचते हैं, हर चीज़ का ख्याल रखते हैं, बैलेंस लेके चलना चाहते हैं। हालांकि ये उनका प्लस है बहुत बड़ा, कहीं ना कहीं माइनस भी है, क्योंकि परफेक्शन तो कभी भी पॉसिबल नहीं है, पर वो चाहते परफेक्शन ही है। तो थोड़ा सा समझिए इस बात को कि वो पॉसिबल नहीं है, हाँ चाहत आपकी बढ़िया है, अच्छी है। तो करियर के मामले में आपको थोड़ा लड़ाई झगड़े से बचना है, और थोड़ा सा आप कहोगे डिप्लोमेटिक रहना है, गुस्से से थोड़ा बचना, थोड़ी अधैर्यता रह सकते हैं, इन सब पे आप कंट्रोल कर लोगे तो आपका अच्छा रहेगा। धन के मामले में कोई बहुत बड़ा निर्णय ना लें, अपने पार्टनर पार्टनरशिप के समय थोड़ा सा आप देख के चलें कि रिश्ते ज़्यादा ज़रूरी हैं, इस चीज़ का आप ख्याल रखेंगे तो सही रहेगा। ओवरऑल करियर के मामले में 100 में से 60 पॉइंट दे सकते हैं, बहुत बेस्ट भी नहीं कह रहे, ठीक ठीक यहाँ पर है। जो जॉब कर रहे हैं, जो किसी अपना कोई काम कर रहे हैं, जो किसी सरकारी जॉब में है, क्योंकि सरकार की जॉब के लिए सूर्य भी इंपॉर्टेंट है, सूर्य नवम भाव में अच्छे ही होते हैं, 15 तारीख के बाद चीज़ें थोड़ी बेटर हो रही हैं, हम ये कह सकते हैं। इसके बाद व्यापार, व्यापार की बात करें तो व्यापार के भाव पर शनि की दृष्टि आ रही है, चीज़ें स्लो रहेंगी, धीरे से काम करेंगी, थोड़ा आपको पेशेंस की आवश्यकता रहेगी। गुरु चांडाल बैठे हुए हैं, वहाँ पर योग बन रहा है, तो आप आउट ऑफ द बॉक्स थिंग से आपका लाभ हो सकता है। आप अपने से बड़ों का सम्मान जरूर करें, कोई भी ऐसा काम ना करें जो नीति के विरुद्ध हो, तब ये गुरु चांडाल योग आपको लाभ देने वाला है, क्योंकि राहु गुरु के साथ है और गुरु जो है तीसरे और छठे के स्वामी है। तो कहीं ना कहीं बुद्धिमानी से अगर आप काम लेंगे तो लड़ाई झगड़े आदि से भी आप बच जाएंगे, जो कि कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटी बन रही है व्यापार के मामले में। मतलब काम बढ़ेगा तो सही, कुछ फॉरेन अपॉर्चुनिटी भी आ सकती है, कार्य बढ़ने वाला है, पर कुछ मतभेद भी रह सकते हैं और काम के क्षेत्र में कुछ भागदौड़ भी ज़्यादा रहेगी। इसी तरह से शादी विवाह में भी आपको दूसरे की राय का सम्मान करना है। रहमन धागा प्रेम का मत जोड़े चटकाए, जोड़े ते फिर ना जोड़े, जोड़े गांठ पड़ जाए। क्योंकि छठे भाव का स्वामी आ रहा है, ये कभी कभी ये भी कह सकता है कि आपका जो पार्टनर है, आपकी जो पत्नी है, आपके जो पति है, उनके स्वास्थ्य में कोई दिक्कत आ जाए, या उनकी लाइफ में थोड़ा स्ट्रगल बढ़ जाए, या फिर उनकी लाइफ में कोई यात्रा ट्रेवल आए जिसका कोई खास रिजल्ट ना निकले। और कई बार ये आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग को भी दिखा रहा है, क्योंकि राहु धुआं है, और कहीं ना कहीं ये अच्छी बात है कि गुरु साथ में, गुरु ही एक ऐसा ग्रह है जो राहु कतु केतु को कंट्रोल कर सकता है, क्योंकि गुरु ज्ञान है, गुरु बुद्धिमता है, गुरु दूर की दृष्टि है। तो ये अच्छी बात है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि आपको गुरु की पावर को बढ़ाना है। हम जिस चीज़ को बढ़ाते हैं वही हमारे अंदर बढ़ जाता है। जैसे हमारे अंदर दया भी है, करुणा भी है, गुस्सा भी है, पर अगर ये कहेंगे मैं तो भाई गुस्से वाला हूँ, मुझे तो गुस्सा आता ही है, तो फिर गुस्सा आपको आने ही लगेगा। पर अगर आप ये देखोगे यार मेरे अंदर तो दया भी है, मेरे अंदर तो करुणा भी है, और उससे संबंधित चीज़ों को आप देखोगे सुनोगे, तो आप पाओगे कि फिर आपका वो जो पक्ष है वो बढ़ रहा है। ऐसा नहीं कि क्रोध एकदम समाप्त हो जाएगा एक लिमिट तक, पर हाँ आप अपने अंदर चेंज ला सकते हैं। आप कोई परफेक्ट ऐसे नहीं है कि मैं ऐसा हूं तो ऐसा ही हूं, ऐसा नहीं होता है। तो आपके अंदर जो अच्छी गुण है, अच्छी चीजें हैं, उन पे काम कीजिए, उनको पानी दीजिए, वो आपके अंदर बढ़ेगा, तो आपका कर्म भी बदलेगा, भाग्य भी बदलेगा, और डेस्टिनी भी बदलेगी। तो गुरु शनि ये आ गया आपके व्यापार का, कि व्यापार के मामले में अगर इन चीज़ों का ख्याल रखेंगे तो ठीक है। व्यापार का स्वामी दशम में नीच का हो रहा है, इसका मतलब आपका जो पार्टनर है, जो स्पाउस है, वो कहीं ना कहीं, या फिर आपका जो बिजनेस पार्टनर है, वो आपको थोड़ा सा ये कर सकता है कोशिश कि इस काम को इस तरह से करना है, तो उनकी आप सुनिएगा, अगर बात सही हो तभी, ऐसा हो सकता है कि उनकी राय सही ना निकले, इस तरह की पॉसिबिलिटी है, थोड़ा सोच समझ के निर्णय लीजिएगा। इसके बाद धन की बात करें तो धन का स्वामी भी दशम भाव में नीच का हो रहा है, परिवार का स्वामी, वैल्यूज का स्वामी, अपने परिवार वालों से बना के रखिएगा, अपनी जो वैल्यूज हैं उनको सही रास्ते पर रखिएगा, और धन के मामले में कोई बहुत बड़ा निर्णय इस माह ना ही लेंगे तो अच्छा है। हनुमान जी की मंदिर जाइएगा, मंगल को वहाँ दीपक जला के
आ पाए बिल्कुल, और गुलदाना या किसी मीठी चीज़ का भोग मंगल के दिन हनुमान जी को चढ़ाएं इस महीने आपके लिए बहुत ज़रूरी है और बहुत अच्छा उसका रिजल्ट आपका हो सकता है। साथ में हनुमान जी के चरित्र को समझें, उसके गुणों को अपने ऊपर उतारें भी। इसके बाद आप बढ़ जाते हैं, धन का हो गया, व्यापार का हो गया, कर्म का हो गया, लाभ कैसा रहेगा। देखिए लाभ के भाव पर वैसे तो गुरु और शनि की दृष्टि है, गुरु पीला और शनि नीला, गुरु शनि की दृष्टि जहाँ भी पड़ती है तो ओवरऑल साल आपका लाभ लेके आएगा। आपको अपने से बड़ों से लाभ होने वाला, आपके नेटवर्क सर्किल से लाभ होने वाला है, आप जितने लोगों से मिलोगे जानोगे, जितना आपका आउटर एरिया बढ़ने वाला है उतना आपको लाभ होगा, जितना लोग आपको जान पाएंगे। तो ऐसा करें कि आप लोगों के सामने आएँ, आप आउट ऑफ द बॉक्स कुछ करें, कुछ तो ऐसा करें कि लोग आपको पहचानने लगे, तो आपको लाभ होगा। यहाँ पर ये इस चीज़ को दिखा रहा है। वैसे बड़े लोगों से आपको बढ़िया है, खास करके अपने बड़े भाई बहन आदि, उनकी लाइफ में भी कुछ अच्छी चीज़ें आ सकती हैं 15 तारीख के बाद। पिता के भाई की लाइफ में कुछ बड़े उतार चढ़ाव, अच्छे उतार चढ़ाव भी हो सकते हैं। इसके बाद धन का हो गया हमारा। पराक्रम की बात करें तो पराक्रम के भाव हुआ गुरु की दृष्टि है, आप अच्छी तरह से कोशिश करोगे, आप ऑनेस्टी से प्रयत्न करोगे, क्योंकि धनु राशि है तो पराक्रम में कई बार आपका जो लक्ष्य हो सकता है कुछ ज़्यादा ही ऊपर हो सकता है और हो सकता है आप उसको अचीव ना कर पा रहे हो, तो उसके दुख नहीं मनाना बल्कि जो अचीव कर रहे हैं उसकी खुशी मनानी है, जिससे आपको और क्षमता मिले और इंस्पिरेशन मिले, प्रेरणा मिले कि आप और बेहतर कर पाओ। ये आपको पराक्रम में है। आपका कम्युनिकेशन क्रिएटिविटी अच्छी रहने वाली है, बढ़िया रहने वाला है। साथ में घर गाड़ी भूमि वाहन मंगला मिलने का योग तो बनता है इस महीने, क्योंकि ये चौथे भाव पर मंगल की दृष्टि है, मंगल ही देख रहे हैं, चौथा भाव घर गाड़ी मंगले का होता है। इस भाव का स्वामी भी कहीं ना कहीं राजयोग में जा रहा, पर फिर भी चूंकि शनि नीच के नहीं माफ कीजिएगा वक्री हैं और मंगल नीच के हैं, तो चीज़ें एक बार में नहीं होंगी। अगर आप जमीन वगैरह खरीद रहे हो, घर खरीद रहे हो, डॉक्यूमेंट्स में कुछ थोड़ा बहुत दिक्कत आ सकती है, तो थोड़ा केयरफुली काम करें। वैसे इस चीज़ के लिए जो महीना है वो बढ़िया है। स्वास्थ्य की बात करें तो शुक्र जो है दशम भाव में है, मंगल के साथ हैं जो कि मारक हैं, तो थोड़ा टेम्परेचर बुखार रह सकता है, आपको स्वास्थ्य में थोड़े बहुत उतार चढ़ाव रह सकते हैं, पर कोई बड़ी ऐसे डरने वाली बात नहीं है। बीपी वगैरह की अगर आपको दिक्कत है तो आपको ख्याल रखना चाहिए। एजुकेशन की अगर हम बात करें तो शनि महाराज वक्री हो रहे हैं, तो थोड़ा सा मन कम लगेगा, थोड़ा एफर्ट ज़्यादा लगने वाला है आपको। 4 नवंबर तक इसी तरह शनि रहने वाले हैं। प्यार वगैरह में भी एक दूसरे को समझना पड़ेगा, एक दूसरे की रेस्पॉन्सिबिलिटी निभानी पड़ेगी, देना पड़ेगा, जो कि शनि देने वाले ग्रह हैं, तब जाके आपका प्यार मोहब्बत इश्क आपस में वो चलने वाला है। अदरवाइज यहाँ पर दूरी बढ़ सकती है शनि के वक्री होने की वजह से। शादी विवाह की हम बात कर ही चुके हैं कि भाई धोखे वगैरह, दूसरे को धोखा ना दें, कोई बात है तो उसको एकदम से बिलीव ना कर लें, शक के बेस पे कुछ ना करें, चीज़ों में थोड़ा डिले होगा। शादी विवाह अगर आप नहीं हुआ है और आप रिश्तों का वेट कर रहे हैं, तो ऐसे में महीना अच्छा है, पॉसिबिलिटी है कि किसी का मतलब शादी विवाह के रिश्ते आ सकते हैं गुरु की वजह से। गुरु की दृष्टियाँ भी जहाँ, जैसे मैंने बताया ना कि पीली वाली दृष्टि है, तो आपके फ्रेंड्स वगैरह भी बढ़ सकते हैं। साथ में पराक्रम के मामले में भी गुरु की दृष्टि शुभ है। और वहीं अगर हम भाग्य की बात करें तो भाग्य का जो स्वामी है, जो बुध है, वो आपका बुध को हम कह सकते हैं, देखिए बुध जो है वो यहाँ पर बैठा है वृषभ में। बुध भाग्य का स्वामी जो बुध है वो वृषभ में है, और कब तक है? 8 से 24 जून तक। 8 से पहले वो सप्तम में है, मतलब 8 से पहले आपको आपके पार्टनर की वजह से, पार्टनरशिप की वजह से बिजनेस में थोड़ा भाग्य ज़्यादा साथ देगा। 8 से 24 तक थोड़ा सा भाग्य से ज़्यादा कर्म आपका साथ देगा, और 24 के बाद बुध जब यहाँ पर आएंगे, आप महीने के अंत में कुछ भाग्यशाली इवेंट, कुछ भाग्य आपका बहुत अच्छी कोई चीज़ हो सकती है महीने के अंत में, 24 के बाद, जो कि अगले महीने में भी जारी रहेगी, उसके बारे में अगले महीने में और बात करेंगे। तो भाग्य की स्थिति ऐसी है, आपके लिए भाग्यवश कुछ ऐसा ज़रूर मिल सकता है जो आपने फिलहाल में नहीं कमाया, जैसे कोई इन्वेस्टमेंट से लाभ हो गया, जैसे किसी की इनहेरिटेंस मिल गई। इसके साथ साथ स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म में आपकी रुचि है, रिसर्च के फील्ड में आप हैं, टैक्स वगैरह से आपका कोई कनेक्शन है, तो वहाँ आपका लाभ यहाँ पे हो सकता है, ये हमारे बुध बता रहे हैं। अब भाग्य के बाद हम माता पिता के बारे में अगर देखें, तो देखिए पिता के भाव पर मंगल की दृष्टि आ रही है, माता के भाव पर मंगल की दृष्टि आ रही है, उच्च की दृष्टि है, तो वो माता के हिसाब से मतलब ठीक है, कोई ऐसी खास दिक्कत यहाँ पर नहीं दिखती। पिता के भाव में भी सूर्य आएंगे, और जो कि आपके लाभ के स्वामी, तो पिता को लाभ ही होने वाला, तो माता पिता के लिए, भाई बहनों के लिए कुछ यहाँ पे ऐसी बड़ी दिक्कत कहीं पे दिखाई नहीं देती है। अब आ जाते हैं
रोग ऋण शत्रु, रोग ऋण शत्रु का स्वामी कहाँ जा रहा है, सप्तम भाव में आ रहा है, तो बिजनेस के भाव में आ रहा है, जिसकी हमने बात की, स्वास्थ्य में ध्यान रखें अपने स्पाउस का और लड़ाई झगड़े आदि से बचें, रिश्तों को थोड़ा व्यापार में बना के चलें। अब आ जाते हैं देखिए त्योहारों पर। त्योहारों से पहले मैं आपसे आग्रह करूंगा, तो आप इस वीडियो, अगर आपको अच्छा लग रहा है, इससे कुछ सीखने को भी मिला है, तो इस वीडियो को आप शेयर जरूर करें, लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें, छोटा सा कमेंट भी कर सकते हैं। देखिए समय तो लगता ही है, और समय मतलब संघर्ष, संघर्ष मतलब युद्ध, और जीवन है तो संघर्ष है। आप जब पैदा होते हो और जहाँ तक हम एंड ऑफ द लाइफ, जिसको हम समझते हैं मृत्यु, जीवन संघर्षों से ही बना है, युद्धों से ही बना है, तो युद्ध से भाग नहीं सकते पर युद्ध को चुन सकते हैं। तो हमेशा बड़ा युद्ध चुनिए, बड़ा लक्ष्य चुनिए, छोटी मोटी बातों पर अपनी एनर्जी को वेस्ट मत कीजिए, और आप पाओगे आपके जीवन में बदलाव अभी से शुरू हो जाएगा। खैर त्योहारों की बात करते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है। 20 तारीख को जगन्नाथ यात्रा है जो भगवान नारायण से जुड़ी हुई है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान नारायण अगर आपके आराध्य हैं, आप चाहें तो उसका नाम कमेंट में लिख सकते हैं, यही बहाना सही, चाहें तो, ना चाहें तो भी कोई बात नहीं, पर उन जो भी आपके आराध्य हों उनको, उनकी भक्ति करते वक्त ये भी ध्यान दें कि उनके गुण आपके अंदर आ रहे हों। भक्त वही है जो प्रभु जैसा होने लगता है। इसके बाद देखिए इस महीने की एकादशी भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, तो हर एकादशी इंपॉर्टेंट है, पर 29 तारीख की आषाढ़ी एकादशी जिसको देवशयनी एकादशी है बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथ में ही 14 तारीख की योगिनी एकादशी भी है। इसके बाद 1 और 15 का प्रदोष व्रत, और 16 तारीख की शिवरात्रि। ओम नमः शिवाय, चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। जो भगवान शिव के भक्त हैं, भोलेनाथ के भक्त हैं, महादेव के भक्त हैं, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये तिथियां हैं। 6 तारीख की संकष्टी है, 18 की अमावस्या, 4 की ज्येष्ठा पूर्णिमा और 15 तारीख की मिथुन संक्रांति है। संकष्टी को हम भगवान श्री गणेश से जोड़ते हैं, केतु बहुत अच्छे ना हो, लाइफ में ऑब्स्टिकल आ रहे हों, पुत्र प्राप्ति नहीं हो रही हो, तब भी लोग संकष्टी का व्रत करते हैं। वहीं अमावस्या जो है ये व्रत लोग मौन व्रत करते हैं, जिसकी कुंडली में पितृदोष आदि है वो भी इसका पालन करते हैं। अपने पितरों के लिए लोग फास्ट करते हैं, उनके लिए कुछ दान पुण्य करते हैं, उनके नाम से कुछ लोगों का अच्छा करते हैं, भला करते हैं, किसी की हेल्प करते हैं, इन चीज़ों के लिए दिन शुभ है। इसी तरह से संक्रांति भी, क्योंकि सूर्य आत्मा के प्रतीक हैं और आत्मा स्वपरमात्मा, स्पिरिचुअलिटी से जुड़ा हुआ त्यौहार है। इसी बहाने हम थोड़ा समय भी निकाल देते हैं दूसरों के लिए, अपनों के लिए, दुनिया के लिए, क्योंकि हम उससे जुड़े हुए हैं, तो त्योहार यहाँ पर भी एक तरह का रोल प्ले करते हैं। अगर ये वीडियो से आपको कुछ हेल्प हुई हो, अच्छा लगा हो, तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा, सभी का ख्याल रखिए। नेक्स्ट वीडियो तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।